इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। एक सवाल मेरा ये बनता है कि आखिर आपको नरेंद्र मोदी से दिक्कत क्या है? आपकी टाइमलाइन भरी रहती है, राहुल गांधी के खिलाफ आपने कभी एक लफ्ज नहीं बोला, तो हम पहले ये बात जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की क्या दिक्कतें हैं, अब गिनाइए। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। हेडलाइन दे रहे हैं आप। समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का ख्याल है मुझे, और मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई संविधान के मूल्यों को स्थापित करने की है, और मैं समझता हूं कि इस देश की सरकार संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, तो जब हम संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं वो अपने खिलाफ इस बात को समझ लेते हैं, और इसको मैं इस रूप में कहता हूं, और ये बहुत गंभीर बात है। इस देश में अंग्रेज जो काम अधूरा छोड़कर गए थे, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले उस काम को आज पूरा कर रहे हैं। देश की हालत आज ऐसी हो गई है कि आप अगर 1947 के बंटवारे का तुलना करेंगे आज की परिस्थिति से, तो आपको लगेगा कि देश ज्यादा खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहा है जी। हर चीज को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जा रहा है, इंसानियत को हिंदू मुसलमान में बांट दे रहे हैं। अगर आप किसी आतंकवादी घटना की आलोचना करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ वो वाला जो आतंकवादी घटना हुआ था तुमने उसकी आलोचना क्यों नहीं की थी जी। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैंने अपना पक्ष डिसाइड किया है। हमारा पक्ष किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे पास कोई निगेटिव एजेंडा नहीं है, हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्लान है, और वो कॉन्क्रीट प्लान ये है कि इस देश के संविधान को लागू किए हुए इतने साल बीत गए हैं, वो जो शब्द हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, बराबरी, ये महज शब्द नहीं है, ये किसी भी देश को जोड़ के रखने का मूल्य है जी। उस पे चलने का नहीं, यही रोकना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही, संविधान की बात कही और ये मूल्यों की बात कही जो आप कह रहे हैं कि इस देश को जोड़ के रखता है, तो जे देश की जनता जो कि जाती है वोट देने, उसको इसकी परवाह तब नहीं होगी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इसकी परवाह करती है, तो जाहिर है जब आपकी पार्टी इस पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बिल्कुल नगण्य हो गई है, उसकी कोई तो वजह होगी। देखिए, एक बात तो ये है कि अगर हमारी पार्टी इतनी नगण्य हो गई है, फिर तो भाजपा को लड्डू बांटना चाहिए, तो इसमें उनको खुश होने की बात है। मैं एक बात कहता हूं कि कोई पार्टी अपने विचारधारा के बदौलत जिंदा रहती है। अगर हमारी विचारधारा न्यायपूर्ण है और शोषित जनता के लिए आवाज़ उठाने वाली है, तो उस विचारधारा को कोई मार नहीं सकता है। कई बार क्या होता है मैडम कि गधा जब घास को चर रहा होता है तो बहुत जोर जोर से उसको उखाड़ता है, और उसको लगता है कि वो दुब्भी को, बिहार में दुब्भी कहते हैं उस घास को, कि जड़ से उखाड़ दिया है, लेकिन अगली बार गधा फिर उसी मैदान में चरने के लिए आता है। विचारधारा जो हमारी है वो शोषण के खिलाफ है, और जब तक समाज में शोषण रहेगा, शोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई भी रहेगी। और जहां तक प्रासंगिकता का सवाल है, मैंने पहले ही कहा आपको कि मुझे यूं ही पकड़ करके जेल में नहीं डाल दिया गया है, कल को आपको भी नक्सली और देशद्रोही कहा जा सकता है। आप तर्कपूर्ण बात करना शुरू कीजिए। आज के डेट में इस देश में किसको देशद्रोही नहीं कहा गया? अमर सेन को देशद्रोही कहा गया, फिल्म में काम करने वाले अभिनेताओं को देशद्रोही कहा गया, तो पत्रकारों को देशद्रोही कहा गया। ये परिपेक्ष तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं। तो हमारी विचारधारा जो है, मैं ये बात कह देता हूँ, हमारी विचारधारा जो है वो विचारधारा अपनी पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाने की नहीं है। ईमानदारी से आप इस बिहार में, आप इस बिहार में, मैं वही बता रहा हूँ, दिक्कत हमारी आज ये हो गई है कि हम किसी भी विचारधारा या पार्टी को उसके पास कितना विधायक और कितना सांसद है, सिर्फ इस बात से उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं। पर वो एक बहुत डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ये तो एक बहुत बड़ा मानक है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं, कि आपके पास है कि नहीं? एक कदम मानक, एक कदम आगे तो, इसको बात करें, क्योंकि हम लोग यूथ हैं, पुरानी बात तो नहीं करेंगे ना। हमारे देश में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का एक प्रॉब्लम यह भी है कि ज्यादा सीट आरजेडी के पास है, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। इसको समझिए, इसको समझने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि सारे लोग जो वोट किए हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। मैं इस देश में यदि राजनीति करूंगा
तो चुनाव सुधार के लिए भी राजनीति करूंगा। और उस चुनाव सुधार कौन खड़े हैं कन्हैया, सवाल वही है, आप ये बताइए कि आपकी ताकत लड़ाई लड़ने के लिए भी कल आपको सोशल मीडिया पे गाली पड़ने वाली है, आप हमारे साथ खड़े होंगे, इस बात का मैं दावा करता हूँ। आप देख लीजिएगा। पर इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आप कन्हैया कुमार सीपीआई के कैडर नहीं, आप न्याय के साथ खड़े होइए, आप बराबरी के साथ खड़े होइए। आप मोदी जी को सामने बिठा करके पूछ लीजिए कि उनको सामाजिक न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी कहेंगे कि चाहिए। हाँ, तो मोदी जी आज सत्ता काबिज है ना, आप वो बात करके भी सत्ता काबिज है, और 2019 में क्या होगा हमें नहीं पता है। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बताइए आप अगर थोड़ा सा बात को छुपा के कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। सत्ता में, चुनाव में धन का, बल का, बाहुबल का, मीडिया का, तंत्र का कैसे इस्तेमाल होता है, क्या ये बिहार की जनता नहीं जानती है? नहीं, पर ये आप सब जानती नहीं, है, तो लेफ्ट सब मालूम है। सर, लेफ्ट पार्टीज इस बात का हवाला देकर कब तक ये दुहाई देती रहेगी कि मेरे हमने धन बल और फलान ढिकान इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमारे पास, हम आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जिल्च है, ऑलमोस्ट जीरो है। आप हमको मैम, फैज अहमद फैज की एक बहुत अच्छी नज्म है, मौका मिले तो सुनिएगा, हम देखेंगे लाजिम है कि हम पूरी सुना सकते हैं, हम देखेंगे, हमको हम पूरी नजर आ रही है, देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, पर वो कब देखेंगे भाई? ऐसा थोड़ी है कि आप अनंत काल तक सिर्फ इसी फैज अहमद फैज की आप कब तक रोटी सेकेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी 1980 में बनी है, 2018 में, 2019 में, आज लोगों को ये बताया जा रहा है कि इसके अलावा और कोई सच ही नहीं है। इस देश का इतिहास 1980 से नहीं शुरू होता है। आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी लोग हमको बता दें कि बिहार में लेफ्ट पार्टी की कोई भूमिका नहीं रही है? मैं आपको याद दिलाता हूँ, रही थी। माननीय लालू जी जब पहली बार सीएम बने थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का साझा सरकार था उनके साथ। बिल्कुल, हम अब ये अब अपने दोस्तों से जो यहाँ बैठे हैं और कुल बुला रहे हैं सवाल पूछने के, हम लोग कई बार प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। नहीं, हम ये सवाल आप तक लाएंगे, पर एक सवाल उससे पहले रही बात कि आपकी जाति की वजह से आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, इस बात से आप कन्विंस होते हैं? एक बात मुझे बताइए कि आपकी जाति क्या होगी, इसमें आपकी क्या भूमिका है? अगर मेरी जाति का फायदा तो उठता ही, हम लोग सबको उठाए, मेरा रूपा झा है तो कई जगह पे हमको पता है कि मेरे उस झा से हमको फायदा उठा होगा। नुकसान? हाँ, महिला होने का नुकसान आप 10 बजे, एक मिनट, 10 बजे रात को जब आप दिल्ली में निकलेंगे तो जो मनचले होते हैं आपका नाम सुन करके कि रूपा झा है, आपको छोड़ देंगे? नहीं नहीं, वाह, बात वो नहीं है मनचले होने की, लेकिन रूपा झा नाम सुन करके और बहुत सारे अपने जिससे आप कास्ट आइडेंटिफाइड होते हैं उससे फायदा होता है, इससे आप इसको आप नकार क्यों? उसका नुकसान नहीं होता है? वो आप कह रहे हैं कि आपकी जाति का आपको नुकसान हुआ है, होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, आप हमसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं कन्हैया, आप थोड़ी इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी? नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मुझे कह दिया कि मैं एक यूथ लीडर हूँ, आपने कहा नहीं, हम यूथ लीडर नहीं ना है, हम तो हम एक तरफा सवाल नहीं सुनेंगे, पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और आप हम और सारी जिम्मेदारियों से भाग जाना है। कौन सी जिम्मेदारी? आपको यहाँ बुला के बैठा के आपसे बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप, सब मन, सब आप दिल पे मत लाइए, हम आपको पर्सनली नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं ले जो देश में सिचुएशन है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये नैरेटिव जो ये लड़का सामने से आज बोल रहा है, ये नैरेटिव कौन खड़ा किया है? तो ये है सच्चाई कि कास्ट का फायदा, ये नैरेटिव कि हमारी खास जाति है उसके चलते हमको पॉपुलैरिटी मिली है, ये मीडिया ने खड़ा किया है और उसी मीडिया ने हमको बदनाम किया है और उसी मीडिया का मैं क्रिएशन हूँ, ये मानते हैं नहीं मानते? ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, सिंपल एक बात याद रखिएगा, मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मेरी जाति क्या है ये आपको पता है, लेकिन मेरा एक्चुअल हालत क्या है ये आपको नहीं पता है, और मैं बताता भी नहीं हूँ। मुझे अपनी माँ को लाइन में लगा करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि मेरा नाम कन्हैया कुमार ही होता, लेकिन मेरा जो टर्नआउट है सालाना वो 5 लाख करोड़ होता, तो ना ये हमसे सवाल पूछती ना आप हमसे सवाल पूछते। नहीं, 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 और हमारी बेटी की शादी में, सुन लीजिए, हमारी बेटी की शादी में पूरा का पूरा बॉलीवुड डांस कर रहा होता, क्या बात करते हैं सर। सामाजिक सच्चाइयों को ऐसे हमको ऐसे उड़ा नहीं देना चाहिए। और अगर मुझे अपनी जाति का फायदा लेना होता, एक बात बताइए, तो मैं लाल सलाम के साथ जय भीम का नारा नहीं लगा रहा होता। तो बहुत विचारधारा भी कोई चीज होती है। लाल सलाम जय भीम बहुत देर से आया सर, पहले तो सिर्फ लाल सलाम था, वो तो बाद में आप लोगों को लगा। उसके लिए हम जिम्मेवार हैं? नहीं नहीं, आप नहीं जिम्मेवार हैं, लेकिन आप भाई पार्टी के कार्डर हैं तो आपसे सवाल पूछेंगे ना। एनीवे, एक और सवाल, क्योंकि हम बहुत सारा सवाल आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग बाद में भी बात करेंगे। और इकबाल प्लीज दें। हाँ,
आप मिस प्रिया कुमारी, मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ। कन्हैया सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने स्पीच बहुत अच्छा दिया और बहुत अच्छा हम लोग को भी लगा, बट आपने जितना स्पीच दिया उसमें कंटिन्यूसली नरेंद्र मोदी का बुराई किया गया है, आखिर रीजन क्या है? आप 2014 से पहले का मेरा कोई स्पीच सुने हैं? ना नरेंद्र मोदी के फेवर में हूँ ना आपके फेवर में हूँ, बट दोनों में आखिर क्या रीजन है कि आपने नरेंद्र मोदी का बुराई किया? पहले सुनिए, कोई तो रीजन होगा जो आपको खर रहा होगा। 2014 के पहले का मेरा कोई स्पीच आपने सुना है? नहीं, मैं अभी आपको सुनी हूँ और अभी का मैं आपको बता तो रही। अभी आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अभी आपको मीडिया कह रहा है कि सुनिए, इसलिए आप सुन रहे हैं। इतने अच्छा बोला, इतने अच्छा आपने विचार प्रकट किया, बट आखिर कोई तो रीजन होगा जिसके कारण आपको नरेंद्र मोदी का कुछ बुरा लग रहा होगा कि नहीं नरेंद्र मोदी इस चीज में बुरे हैं? इस सवाल का जवाब आपने दिया हुआ। सिंपल इसका जवाब मैं बार बार देता हूँ, नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और बतौर नागरिक हम आज के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बात जी। और रही बात मेरी वफादारी पे, यदि आपको शक है, सिंपल समझ लीजिए कि मैं एक पार्टी के खिलाफ हूं और दूसरी पार्टी का अंध समर्थक हूं, अगर ऐसा आपको लगता है तो 2014 में हम पैदा नहीं हुए थे, हमारा जन्म जो है उससे पहले हुआ है। 2014 से पहले भी हम फेसबुक पे थे, तो आप थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए और 2014 के पीछे का जाकर के हमारा टाइमलाइन चेक कर लीजिए। मोदी जी के खिलाफ कसम से एक शब्द नहीं बोला है हमने, किसके तो शिकार हो गए हैं हम? क्यों जब गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे तो क्या उनमें आपको कोई बुराई नजर नहीं आई? अरे गुजरात के जो सीएम हैं उनका तो भाषण सुन लीजिएगा, माने मोदी जी जब सीएम थे, और आज के पीएम का भाषण सुन लीजिएगा, तो हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। गुजरात सीएम व्हेन नरेंद्र मोदी वाज द सीएम ऑफ गुजरात इज कंप्लीटली एडवर्स विद करंट पीएम। इन व्हाट सेंस? जैसे गुजरात के सीएम का भाषण सुनिएगा, जब वो नरेंद्र मोदी जी थे वहां के, तो वो आधार के खिलाफ थे, आज क्या है? समर्थक। जब वो सीएम थे तब कहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और सीमा पे इतना बड़ा हमला हो गया है, सीमा आपके नियंत्रण में है, आप जो है कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, आज बात सीधे पलट दी है। लेकिन तीसरा सवाल, जीएसटी का विरोध करते थे मोदी जी, वो अपने विपक्ष आज समर्थन कर रहे नहीं कर रहे पर नरेंद्र मोदी की पेट्रोल का जब दाम बढ़ता था, तो वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते थे और स्मृति जी अपना चूड़ी भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज क्या कर रहे हैं? ठीक है, पर कन्हैया 2014 में नहीं बना है, देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये इनकी बेईमानी है कि ये इतिहास को 2014 से देखना चाहते हैं। नहीं, पर 2014 आप से पहले नहीं, भी नहीं, नहीं, आप, 2014 आप, से पहले भी इस देश का प्रधानमंत्री का विरोध हुआ है। क्या इस देश में इंदिरा गांधी जी का विरोध नहीं हुआ? पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जी का विरोध नहीं हुआ? तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो कौन सा अपराध कर दिए हैं ये तो बताइए? मोदी जी देश है क्या? मोदी जी देश नहीं है ना, तो मोदी जी का विरोध करना देश विरोध कैसे हो गया ये हमको समझा दीजिए जरा सा। और रही बात आपके पास क्या अल्टरनेटिव है, वो सवाल पूछे हम आपको अपना अल्टरनेटिव बताएंगे। हाँ प्लीज, एक और सवाल, लेकिन हम सर बस एक सेकंड, सवाल सब Hello. आपके पास Hello. आपके पास हेलो हाँ, भले बहुत संघर्ष के बाद मुझे माइक मिला, इसलिए बीबीसी न्यूज मुबारकबाद करता हूँ। सवाल पूछिए। बहुत सवाल तो मैं सत्ता पक्ष से मैम पूछा जाता है, मैंने सुबह से संघर्ष करता हूँ, मुझे भी माइक मिले, माइक नहीं मिला, लेकिन कन्हैया जी से भी एक सवाल है, पूछ लीजिए। हम भी अभी आपके सामने सत्ता है, पूछिए क्यों? क्योंकि आपको संघर्ष करके माइक मिला, हमको फ्री में मिल गया है। सवाल आपसे यह है कन्हैया जी कि आप स्वर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं, क्या इसमें कोई शक? तो आप अपना माँ बाप बदल दें क्या? नहीं। तो सवाल मेरा यह है कि आप जिसके साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी जिसके साथ करना चाह रहे हैं, आप जिसका समर्थन कर रहे हैं तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी 10% से जो स्वर्ण का आरक्षण है उसका वो खुलेआम विरोध करते हैं, क्या आप इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं? करते हैं। क्या क्या करते हैं? पहले तो वो विरोध किए हैं कि स्वर्ण को 10% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लोकतंत्र को ये लोग जानते हैं अट्ठा गुट्टी बना दी है। क्या आप सुनिए, लोकतंत्र अट्ठा गुट्टी पहले सुनिए, सवाल पूछ के प्लीज बैठ जाइए। नहीं, नहीं, तो सवाल पूरा नहीं हुआ, सवाल भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, क्या आप एक गरीब समुदाय से 10% आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे या नहीं? हाँ, बस आपसे पूछा जा रहा है। आप पहले सवाल 10% देखिए, पहली बात तो सुन लीजिए, ठीक है? ये जो सवाल आप इस तरह से पूछते हैं तो कम से कम सवाल तो ठीक से पूछ लीजिए।
मेरा ये कहना है, देखिए सवाल इतना संघर्ष से आपको माइक मिला तभी ठीक से सवाल नहीं पूछे, सही से सवाल तो पूछ लेते। आप ये कहते कि तेजस्वी जी ने कहा है कि वो 10% आरक्षण के खिलाफ हैं, आपका क्या पोजीशन है? तो मैं सिर्फ इसका जवाब एक लाइन में देता कि मेरा पोजीशन वो है जो मेरी पार्टी का पोजीशन है, सिंपल, मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ। दूसरी बात कि आप उनका क्यों समर्थन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक मुद्दे पे अलायंस नहीं होता है, लोग पता नहीं देश भूल गया है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कुछ एजेंडे तय किए जाते हैं, जिन एजेंडों पे सीधे सीधे असहमति होती है उस एजेंडे को बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पे एक राजनीतिक समझौता होता है। क्या आप हमको बताइए, देश का कोई नेता गरीबी खत्म होना चाहिए इसके खिलाफ होगा? नहीं होगा ना, तेजस्वी जी भी नहीं होंगे, तो इस पे हमको उनसे मिलकर के संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप हमको बता दीजिए। देश की परिस्थिति क्या आपको बताइए, देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस देश में राजनीति को WWF का मैच बना दिया गया है, ऐसा लगता है कि दो रेसलर जो है आपस में कुश्ती लड़ रहा है, इसी से देश का मुस्तकबिल तय हो जाएगा, इसी से इस देश का जमहूरियत का भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसपे आपकी हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसपे आपकी और हमारी सहमति होगी। यहाँ हमारी पार्टी का पोजीशन और तेजस्वी जी का पोजीशन अलग अलग है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पोजीशन है जहाँ हमारी पार्टी का पोजीशन और RJD का पोजीशन एक है। अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि मुजफ्फरपुर सेल्टर का केस जब हुआ, सेल्टर होम का, तो उसमें लेफ्ट पार्टी ने बंद का कॉल दिया और कांग्रेस और RJD उसके समर्थन में आई। उसी तरीके से जब तेजस्वी जी ने कॉल दिया दिल्ली में धरने का, तो उसमें हम शामिल होने के लिए गए थे। मुद्दों पर भी मोर्चा बनना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है कन्हैया, पर मुद्दों पे ही समझदारी में ये NDA का चल रहा है ना सारा, तो आप उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि बड़ा 29 लोगों को 29 पार्टी को साथ ले लिया, बहुत सारे नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं ये करते तो हैं। वो कहते हैं कि मोदी अकेला चलता है, ठीक है, शेर अकेला चलता है, सवाल नहीं कहते हैं, ठीक है जी जी, हम तो कहते हैं मिलकर चलो। सवाल पूछिए साथियों, लास्ट 5 मिनट्स रह गया मैम, मेरा एक क्वेश्चन है सर, और प्लीज प्लीज होल्ड ऑन कन्हैया जी, ऐसे नहीं, कन्हैया जी से मेरा ये सवाल है, वो JNU से जुड़े हैं, तो JNU से जुड़ा ही मेरा सवाल है। चंद्रशेखर जी पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष थे JNU में, और मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आप सिवान जाइएगा और चंद्रशेखर जी की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन साहब के ऊपर लगा हुआ है, तो अगर आप महागठबंधन में रहिएगा तो क्या आप सिवान में हिना साहब के प्रचार के लिए जाइएगा या नहीं? ये मेरा सवाल आपसे सीधा ही है, मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि चंद्रशेखर जी कौन सी पार्टी में थे, ये आप हमको बता दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, ASF में नहीं थे। आप गलत बोल रहे हैं, आप सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। अचानक से क्या हुआ है कि चंदू के प्रति भाजपा का प्रेम उमर रहा है, अब हमको समझ में नहीं आता है कि ये प्रेम आ क्यों रहा है। ये प्रेम इसलिए आ रहा है कि इनको ये बात पता है कि अपोजिशन जितना बटेगा उतना हमको लाभ मिलेगा। जवाब दे रहे हैं दोस्त, जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो आपको ये नहीं पता है कि चंदू CPI-ML लिबरेशन के लीडर थे, और CPI-ML लिबरेशन जो है वो RJD के साथ मोर्चे में जाने के लिए बातचीत में है। तो ये सवाल आप सबसे पहले तो गलत आदमी से पूछ रहे हैं, हम CPI-ML लिबरेशन के स्पोक्स पर्सन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप JNU से संबंधित ये सवाल पूछना चाहते हैं, JNU से संबंधित आप सवाल पूछना चाहते हैं कि आप भी पूर्व अध्यक्ष हैं, वो भी पूर्व अध्यक्ष थे, तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे लिए चंदू के विचारों पे चलना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कोई व्यक्ति का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। और चंदू का विचार ये था कि समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो, और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हमको जिसके साथ भी चलना पड़ेगा हम चलेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए है। ये अच्छा ठीक है, आप बस एक सेकेंड, हम ये जानना चाह रहे थे, पीछे इतनी सारी लड़कियां बैठी हैं, किसी को सवाल पूछना है कन्हैया कुमार से? टिक टिक वन, टिक टिक टू, नहीं वेट, नो 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 वेट, कोई पीछे, कोई जो लड़कियां अच्छा, बैठी हैं उनको सवाल है, हम भी एक सवाल पूछें क्या? हाँ उनके पास है, प्लीज सरप्रिया। अच्छा सबसे पहले किनको सवाल पूछना है, उनसे हम भी एक सवाल पूछें। और सवाल अब नहीं ले सकते हैं सर, हम ही, आप भी लेट होंगे, सब लोग लेट होंगे, हो गया ना?
हेलो आ गया सब सब सवाल आ गए एक सवाल उनसे ले लो यार वो खड़ी है वो भी बहुत देर जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं तो सभी लोगों का हो गया संघर्ष मेरा नाम स्वाति प्रिया है मैं डीजल ट्रेनिंग कॉलेज से हूँ सर मेरा सवाल आपसे है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम जो होता है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है एक प्रिलिमिनरी होता है और एक मेंस होता है तो हमारे देश में पॉलिटिशियंस जो होते हैं जो हमारे देश का भविष्य अपने हाथ में रखते हैं तो पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए मिनिमम सर कोई भी पॉलिटिशियन बन जाता है एक आठवीं पास भी पॉलिटिशियन बन जा रहा है तो हमारा सवाल समझ में आ गया जवाब तो हम छोटे में चाहेंगे सर बस आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या जब आप सत्ता में आते हैं तो कुछ करते हैं इस टॉपिक पे सवाल हो गया जवाब भी छोटे में कन्हैया देख सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो क्वालिफिकेशन की बात की है उस क्वालिफिकेशन में जो क्राइटेरिया का बात किया है वो नौकरी पाने के लिए है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो क्वालिफिकेशन है ठीक है रही बात कि देश में नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए देश में नेता बनने के लिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये होता है कि देश की जनता किसको अपना नेता मान रही है हम समझते हैं कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा टफ क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं हो सकता है ठीक है रही बात दसवीं और बारहवीं की यह उससे ज्यादा टफ क्वालिफिकेशन है कि देश की जनता को अपने नेतृत्व पर भरोसा दिलाना और उनके मुद्दे पर लड़ने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए उन तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता पैदा करना